फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हेड्स कॉलोनी पिलर नंबर 213 राजेंद्र नगर हैदराबाद। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि AIMIM के MLA जो कि बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA है जनाब मोहम्मद मौजम खान, उन्होंने जो है आज फेज़ 2 कांति वेलुगु कैंप का इनॉग्रेशन किया है सालार मिलत स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में जो कि चंदौलार बारादरी में है। तो आइए खबर हम आपको दिखा दें। अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो मोतिया का फूल का ऑपरेशन भी करते हैं लोग, करा लेना, बहुत अच्छी चीज है। आप खाली मेडिकल स्टाफ आना, ऑफिस आना, जरा थोड़ा आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से कंटी वेलुगु का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और इस प्रोग्राम में मैं और इस एरिया के कॉरपोरेटर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे सुदूर मुतमदीन सदर चंदूलाल बारादरी सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर आई कैंप का इनॉग्रेशन किया गया है। ऐसे कैंप बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल 7 जगह लगाया गया और हर डिवीजन में लगाया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले 4 दिन से हम लोग एक अवेयरनेस के लिए आवाम के अंदर सोशल मीडिया के ज़रिए कह रहे थे ये कंटी वेलुगु जो प्रोग्राम है उसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। जितने भी सेंटर्स बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगाए गए हैं एक आवाम का रिस्पांस मिल रहा है और ये प्रोग्राम के बारे में इसलिए ज़्यादा कहा जा रहा था, ये प्रोग्राम जो कंटी वेलुगु है सेकंड फेज का है, पहले फेज में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस मिला था। इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट की जानिब से आँखों के डॉक्टर्स हर सेंटर पर आकर बैठे हुए हैं, आप अपने आँखों का चेकअप करा सकते हैं, जिसको ऐनक की ज़रूरत है उनको ऐनक दिया जाएगा, जिसको दवा की ज़रूरत है गवर्नमेंट की जानिब से उनको दवा दिया जाएगा और जिसके आँखों में फूल आ गया या कैटरेक आ गया या मोतिया आ गया या कुछ आँख का इलाज ज़रूरी है गवर्नमेंट की जानिब से बड़े से बड़े हॉस्पिटलों को भिजा कर वो इलाज भी फ्री किया जाएगा। ये कंटी वेलुगु प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से लगाया गया है ये प्रोग्राम टोटल 100 दिन का है, 3 महीने 10 दिन का है समझिए आप। जैसा आज चंदूलाल बारादरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये कैंप लगे गया है, ये कैंप तकरीबन 10 दिन तक चलेगा
इसके बाद दूसरे इलाके में लेके जाकर कैंप लगाया जाएगा। जैसा पूरा बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी कैंप्स लगे हुए हैं, एक जब तक रेस्पॉन्स रहेगा वहाँ पर कैंप लगाया जाएगा, उसके बाद दूसरे लोकेशन पे चेंज किया जाएगा। ऐसा प्रोग्राम कंटिन्यू 3 महीने 10 दिन तक चलेगा। मैं आपके चैनलों के ज़रिए बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाम से गुजारिश करता हूँ, इस प्रोग्राम में आकर शिरकत लेकर फ़ायदा उठाइए। ये जितना भी जो भी आँख का इलाज होगा, कितना सो कितना बड़ा भी इलाज हो, खुदा ना खास्ता अगर किसी को प्रॉब्लम आया आँख में, वो गवर्नमेंट की जानिब से फ्री किया जाएगा। बस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा यही चाहती है, और सदर मोहतरम आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा यही चाहते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हो रहे हैं या होने वाले हैं, हम आवाम के दरमियान में लेकर आकर हमारी आवाम को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। वही मकसद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। इंशाल्लाह ताला और जैसे प्रोग्राम्स होंगे, गवर्नमेंट के जो भी अनाउंसमेंट होंगे आवाम के लिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर गवर्नमेंट के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की MLAs, कॉरपोरेटर, वर्कर्स और हम आवाम को उस प्रोग्रामों से उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश किया जाएगा। शुक्रिया आप तमाम का। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।